जो एरिया आप देख रहे हैं ये है टरबाइन एरिया। इसी से स्थित दूर में आपको कुछ गोल गोल नज़र आता होगा, वहीं है हमारा कूलिंग टावर, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। वो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब कूलिंग टावर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग कूलिंग टावर के पास पहुँच गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहीं है हमारा कूलिंग टावर। तो चलिए अब देखते हैं कूलिंग टावर में क्या क्या चीज़ है और यहाँ पे कहाँ से कौन सा पानी गिरता है। अभी दोस्तों हम लोग जस्ट कूलिंग टावर के एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि पाइपों से भरी हुई यहाँ जो कि हॉट पाइप, गैस का पाइप सभी है। हमारे साथ हमारे मित्र अमन सुमन। धीरे धीरे चलिए, हो गिर उड़ जाएंगे। ये देखिए, ये है कूलिंग टावर नंबर 2। एक जो है हमारे सामने इधर है और ये जो है कूलिंग टावर नंबर 2 है। तो दोस्तों हम और हमारे मित्र दोनों अभी कूलिंग टावर के पास पहुंच चुके हैं। अब हम लोग सीढ़ी से एक एक करते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इंक्लाइंड थोड़ी ज़्यादा है इसकी सीढ़ी। फाइनली हम लोग कूलिंग टावर पे पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि नीचे से इसकी बनावट कैसी है और यहाँ पे मोटर लगी हुई है। यहाँ पे देखिए लगता है एकदम झरने का पानी निकलता हुआ। चलिए हम लोग इसके थोड़ा बैक में चलते हैं। ये देखिए हमारे मित्र, यहाँ से कुछ फोटोग्राफ कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पानी की तेज लहरें। वो दूर हमारा NTPC का प्लांट, वहीं टरबाइन और मशीन सबसे आने वाली गर्म पानी को यहीं पे कूल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 टावरें हैं जो कि हर एक टावर पे एक एक करके नंबर दिया गया है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये आप देख सकते हैं कि कूलिंग टावर नंबर 5 जो कि यहाँ आपको छोटी सी संख्या में दिखाई देती होगी, हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से जो है गर्म पानी को पाइप के थ्रू बाहर किया जाता है, फिर यहाँ से इसको नीचे गिराया जाता है। ये सब आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी, तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। दिखा दीजिए कहाँ पंखी है इसका लगा हुआ, कहाँ चला गया जी की रफ्तार। अभी पानी इतने गर्म है कि दिखाइए खोल खाल के। अभी हवा चल रही है और हम लोग जो है इसी जो है हेलीकॉप्टर के डेहा के तरफ पंख हुई को देखने हम लोग यहाँ आए हुए थे, क्योंकि हमारे एक मित्र हमसे पहले यहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने हमें अपने छवि में दिखाया था कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसा है हेलीकॉप्टर के पंख ही के जैसा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए आज देखा भी जाए और इसी पर एक ब्लॉग भी बनाया जाए। तो आज हम और हमारे मित्र अमन सुमन हमारे साथ में यहाँ पर एकदम से
कूलिंग टावर का निरीक्षण भी करते हुए अब अपने डिपार्टमेंट के लिए और यहाँ पे एक ब्लॉक का भी शुभारम्भ किए हुए हैं। तो आप हमारे ब्लॉक को अंतिम तक देखते रहिए, अभी कुछ कुछ चीज़ें और देखनी बाकी है। हम लोग फिर कूलिंग टावर जो कि टोटल दो है तो वो उसी के हम लोग फर्स्ट चैम्बर में आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला मोटर अभी बंद है। इसका मतलब है कि यहाँ का प्रोपेलर शाफ्ट जो है अभी काम नहीं कर रहा होगा। आइए तो देखते हैं दोस्तों क्या बात है। ओह पार्ट बहुत ज़्यादा बंद है। नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। हम इसके साइड पार्ट्स में आ चुके हैं। यहाँ आप देखिए एकदम झरने की बराबर पानी यहाँ गिरते हुए। यहाँ ये अभी हम लोग बस इसी के टॉप पे थे एकदम से, जो कि आपने देखा हुआ था कि वहाँ से पानी गिर रही है और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए पानी की रफ्तार यहाँ कितनी तेज़ है। चलिए हम थोड़ी आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पानी यहाँ कैसे गिरती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एकदम दूर दूर तक चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कूलिंग टावर किसी झरने से कम नहीं है दोस्तों। फिर से इसी पानी को कलेक्ट करके बॉयलर और टरबाइन एरिया में मशीन को ठंडा होने के लिए भेज दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टीन पे से इस पानी को गुजारा जाता है और हवा जो है उधर से इसके पीछे वाले साइड से इस पार होती है, तो जिससे कि पानी को यह ठंडा करते हुए रहती है। और पानी को यहाँ बहुत सारे चरणों के द्वारा गिराया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 चार स्टेज के द्वारा यहाँ पानी गिराया जाता है। बहुत खूब। आपने देखा कि कूलिंग टावर में कहाँ से पानी आता है और यहाँ पे कैसा पंख है और कौन सा प्रोपेलर शाफ्ट जो कि बाहर के मोटर से इसको रोटेट किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए जय हिंद।